अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अच्छा जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं आज के आज दुबई में हमारा आखिरी दिन था, हम ये जाने अबू धाबी। और मैं पिछले आधे घंटे से बड़ा शोखा बन के ना मैंने क्या किया, होटल से चेकआउट कर दिया और ना सोचा हूँ जी बड़ी टैक्सी ढूंढ लेता हूँ। और पिछले आधे घंटे से मैं सड़क पे दलील हो रहा था, कोई टैक्सी वाले इतने चावल हैं, मैं क्या बोलूँ, कोई रोक ही नहीं रहा, ऐसे जैसे मैंने फ्री जाना है ना। ये देखें भाई, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है और मैं ये इधर बस स्टॉप के अंदर बैठ के ना एसी लगा हुआ था, थोड़ा सा अपना पसीना खुश कर लूँ, अगर कोई टैक्सी वाला रोक ले तो उसकी ज़रा नवाजी होगी। इधर से हम जाएंगे अबू धाबी और देन अबू धाबी से कल हम यूएई को हैदराबाद कह देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन हमारा क्या होगा, पाकिस्तान तो नहीं है ये मैं बताता है, चलो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो मैं आप लोगों को ना उधर पहुंच के ही बताऊंगा, अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, उधर पहुंच के बताता हूँ। वैसे ये हमेशा की तरह मैं जो दो तीन दिन का टूर करता हूँ ना, ये भी मैं कोई महीने का सोच के आया था, 2 महीने मैं इधर रह चला हूँ और मेरा अगले जो स्टेशन जिधर मैंने जाना है उधर जाने का कोई इरादा नहीं था, अचानक ही बना हफ्ता पहले कि घर से तो पहले निकले हुए हैं, मतलब चलो उधर से भी होते जाएँ, फिर एक दफ़े घर से आके घर जाएंगे, बार बार इस तरह मतलब पॉसिबल नहीं होता है जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में हो तो। लेकिन मैं जिस तरह की मेरी प्रोफेशनल लाइफ है मुझे लग रहा है है यार, बाकी गर्मी इधर इंतहा ही है आज भी। और आज मैं गया हुआ था फ्यूचर म्यूजियम और वो भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, उसका वीलॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है, वो भी आप लाजमन देखना। और लेकिन एक बात हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जितना भी मैं गया हूँ मतलब इधर आउटिंग पे दुबई में जितना भी मैं फिरा हूँ, एक तो स्काई डाइविंग वो एक एडवेंचरस चीज़ में आ जाती है जिसका वीलॉग मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, वो भी लाजमन देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। और दूसरा आया यूनिवर्स जिसकी मैं बात कर रहा था जिधर मैं कल गया हुआ था, वो अभी तक स्काई डाइविंग के बाद वो तो उसे अगर स्काई डाइविंग को साइड पर रखे ना, आया यूनिवर्स इज़ बेस्ट उधर का, मतलब जो आगे उन आगे अटेंडेंट्स वगैरह थे, हर जितने चैम्बर्स में आप जाते हैं एक्सेप्ट होते हैं और वो खुद आपको कहते हैं कि अगर मैं तो अकेला गया था, खुद आपको कहते हैं अगर ना भी कहीं आप उनसे बोलें कि पिक्चर बना दें, वो खुद बड़े खुशी के साथ, ये नहीं कि मुंह पे वाटर डाल के माथे पे वाटर डाल के वो कोई इस तरह की आपके वीडियो बनाई या पिक्चर्स बनाई, वो खुद ही बड़ी खुशी के साथ एक बोलेंगे वो 10 बनाएंगे और 10 भी कमाल की होंगी, और साथ में वो वीडियो भी बनाते हैं इस एंगल से कि जो हम जैसे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो उधर उधर ही काम करते हैं, उन्हें पता है कि इस एंगल से किस चैम्बर में किस तरह की वीडियो अच्छी आनी है। तो वो भी मैंने कल अकेला ही था, मेरे साथ कोई था नहीं, अगर मेरे साथ कोई होता मैं उससे बोलता, लेकिन अच्छा हुआ मेरे साथ कोई नहीं था। और मैंने उन्हें एक दफ़ा रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी मतलब वीडियोज बनाई, पिक्चर्स बनाई और बड़ी प्यारी आई थी माशाल्लाह से, सारे माशाल्लाह का ना कमेंट करते ना नजर ना लगा देना, ठीक है ना। तो अभी तो बस वो क्या कहते हैं, आ जा यार, सचिन मैं ना इधर वैसे हाय कब आएगा, मैं सुबह उठा था आज भी चला गया उधर फ्यूचर म्यूजियम, नाश्ता मैंने किया नहीं, मैं सोचा आके एक दफा ही करूंगा उधर से वापस आके ना, स्कूल से उधर से वापस आऊँ, नाश्ता किया है और आगे मैंने चेकआउट किया है क्योंकि आगे मैंने जाना था। तो आप मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ सड़कों पे, जलील हो रहा हूँ, पता नहीं जलालत हर वो जैसे क्या कहते हैं, हर तंगी के बाद खुशहाली है, मेरे साथ ये हो रहा है हर खुशहाली के बाद तंगी आ रही है, पता नहीं क्यों है यार, कोई तो रोक लो, ये देखो टैक्सी वाले ऐसे गुजरते हैं, यह ना टैक्सी वाला यार कोई हाल नहीं इनका भी ना, बंदा मैं ना तो इन्हें फ्री जाना है ना मैंने तरले करने हैं कि अल्लाह का वास्ता है मुझे ले जाओ, अल्लाह के वास्ते पे तो जाना नहीं है, मैंने पैसे दे के जाना है जितना मेरा बनता हुआ फिर, लेकिन नहीं है, दुआ करें टैक्सी मिल जाए और फिर मुलाकात होती है आपसे, अल्लाह हाफिज़। फाइनली गाइस टैक्सी मिल गई थी, टैक्सी में बैठ गया हूँ मैं, अभी मिली है उस वक्त की ना। तो आप हम मैं इधर रुका था मैंने चाय के लिए, क्योंकि चाय जितनी मर्जी गर्मी है चाय तो ज़रूरी है। खैर अब हम थोड़ी देर तक ये बस में चाय पी लूँ फिर निकलने लगे हैं यहाँ से अबू धाबी के लिए और फिर रात उधर गुजारेंगे
और कल उधर से हैदराबाद कह देंगे यूएई को। वो कहावत मशहूर है ना पंजाबी में, करां लिया घर ही जाना होंदा है, ते असी वो कहावत नू ना गलत साबित कर दिता है। पूछो वो कैसे? वो इस तरह के हम फिल वक्त के, मतलब फिल वक्त की है, मतलब परमानेंट नहीं है, जाना तो घर ही है जब भी गए, लेकिन अभी इधर से मैं घर नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और जिधर भी जाऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीलॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट वीलॉग मोस्ट प्रोबेबली उसी के बारे में होगा। अगर आज मुझे कोई और चीज़ नज़र ना आई तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और सब्सक्राइब का बटन लाजमन दबा देना, ठीक है ना? और मैं नीचे एक ना कमेंट पढ़ रहा था, मेरे वो जो फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें एक जिशान भाई का, डॉक्टर जिशान का कमेंट आया था कि बिला आ गया, बिला छा गया। तो ये टैग लाइन मुझे वैसे बड़ी पसंद आई थी। खैर मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में तो यूज़ नहीं की, लेकिन इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि बिला आ गया, बिला छा गया। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।